लगाइन गोरे हाथों। दोस्तों इनका जो टेस्ट है ना काफी प्यारा सा है, और रोहित ने 32 किलो खा चुका है। रोहित हमारा 1 किलो तो खाई गलत हुआ। एक किलो खा गया मैं ना। हाँ हाँ, दांत पूरे नीले हो गए यार। ये देखिए दोस्तों, तो ये है जामुन का फल, वो तो थोड़ा सा हम भी ले लेते हैं। और इस पे इतनी सारी हो गया ना, पूरा पेड़ लगा। साउंड नहीं आ रही। एक झोला छोटा छाटा सा, झूले आप देख रहे हो मेरे पीछे साइड में वो पहाड़िया, तो वो डन खानों में घाम है, यहाँ पर भी घाम है। तो अभी हम गधेरे की ओर चल रहे हैं, गधेरे में शो है, तो आप आइए और यहाँ पर विजिट कीजिए। ओम नारायण शिव शंकर, और ये भोलेनाथ की जय हो। ये रैलिंग भी है चारों ओर सेफ्टी के लिए ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, पहला प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, और कहीं ना कहीं व्यस्त हूँ। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ ग्राम सभा तल्लापाली में। तो मैं हूँ, मेरे साथ मेरे मित्र रोहित है। तो आज हमारा प्लान बहुत ही दूर का है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं ऊंचा वाहन ग्राम सभा में। वहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है, थकुली उढ़ियार। तो आज हम वहाँ जा रहे हैं और वहाँ विजिट करते हैं कि क्या क्या है वहाँ ऐसा, उसको एक्सप्लोर करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। और सामने आप देख रहे हो मेरे पीछे साइड में वो पहाड़ियाँ, तो वो डन खानों में घाम है, यहाँ पर भी घाम है। तो अभी हम गधेरे की ओर चल रहे हैं, गधेरे में शो है, तो गधेरे के रास्ते निकलते हैं सीधे अभी हम ऊंचा वाहन ग्राम सभा में, और वहाँ क्या क्या होता है आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों चलिए। और इधर हमारे मित्रवत रोहित, तो ये लेके जा रहे हैं आज का जो खर्चा वर्चा है ना, सब इन्हीं का है, इन्हीं को झेलना है। और दोस्तों आप देख रहे हो गाड़ियाँ भी जा रही हैं रोड में, तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं ग्राम सभा ऊंचा वाहन में, क्योंकि ना यहाँ पर एक पर्यटन स्थल है थकुली उढ़ियार। तो ये है मासी वाले रोड, तो मासी वाले रोड से अगर आप आते हो तो एक रोड जो है लेफ्ट हैंड साइड में कटती है ऊंचा वाहन ग्राम सभा में, और उधर ही जो है ना थकुली उढ़ियार स्थित है। तो दोस्तों ये है खाओ गधर, बट यहाँ पर ना ऊंचा वाहन ग्राम सभा के जो लोग हैं उन्होंने इतना प्यारा डेकोरेट कर रखा है कि क्या ही बताएं आपको, बड़ा मस्त सा डेकोरेट कर रखा है। काफी अच्छा है यहाँ पर, काफी ठंडी ठंडी हवाएं हैं, क्योंकि ऊपर ना बरगद का पेड़ है, और यहाँ पर ना चारों ओर इसको डेकोरेट कर रखा है बहुत ही बढ़िया तरीके से। अगर आप कहीं दूर पहाड़ों में सफर पे निकलते हो और अगर आपको ऐसा ही स्थान मिल जाए बैठने के लिए, तो आपको मजा ही आ जाएगा। तो काफी प्यारी सी जगह है, आप देख, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डिजाइने हैं, कलर है, तो काफी अच्छा लग रहा है। तो अभी हमारा सफर आगे की ओर बाकी पड़ा है, तो अभी हम फिलहाल आगे को निकलते हैं। तो दोस्तों ये ना कहीं ना कहीं डेकोरेट कर रखा है, इसमें गोल्डन पेंट कर रखा है, ये है पत्थर, बट काफी अच्छा है यार दोस्तों, क्रिएटिव माइंड है जिन्होंने भी किया है। क्योंकि ना जो चक्की के वो होते ना पार्ट, मतलब पहले से जिसमें हम आटा मतलब पीसते थे, जनार बोलते थे जिसको हम, तो उस चीज के पत्थर हैं ये। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं स्टैंड बना रखे हैं और हर एक के ऊपर रखे हैं, तो गांव वालों ने काफी अच्छा कर रखा है यार। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं ऊंचावान ग्राम सभा के थकुली उढ़ियार में, जो कि पर्यटन स्थल के नाम से, पर्यटन नगरी के नाम से काफी विख्यात है। तो चलते हैं अभी आगे की ओर। तो ये आप देख रहे हो ना सीढ़ियां, स्वर्ग की सीढ़ियां हम बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वैसे हमारे पहाड़ों में ना बहुत ज्यादा खूबसूरत स्थान है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं थकुली उढ़ियार पे। तो ये थकुली उढ़ियार का मेन वे है, आप देख रहे हो कुछ स्टेप्स हैं, इनको आपको पार करना है, देन आपको दो ना ये बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, और यहाँ इन पत्थरों पे ना ओखल बना रखे, और यहाँ से आगे को आपको फिर थकुली उढ़ियार देखने को मिल सकता है, आप उस चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ से जस्ट सामने में ऊंचा वाहन ग्राम सभा है, बट वो दिख नहीं रही है यहाँ से, क्योंकि ना बड़े बड़े पत्थर हैं। तो अभी फिलहाल हम वहाँ एक्सप्लोर करते हैं, और अगर टाइम मिलता है तो आपको आगे दिखाएंगे, नहीं तो यहीं से अलविदा कहेंगे। तो दोस्तों बड़ा प्यारा डेकोरेट कर रखा है, क्या ही बताएं आपको यार। तो दोस्तों ये वाले जो आप ट्रायंगल देख रहे हो ना, कहीं ना कहीं हमारी अपन कला को प्रदर्शित कर रही है, और यहाँ से तो दोस्तों अल्टीमेट नज़र आ रहा है, क्योंकि ये हमारे इस लोकल एरिया का लगभग मासी का टॉप वाला एरिया है, पाली को टच करता हुआ नज़र आता है। और दोस्तों रास्ते में भी ना डिज़ाइन बना रखी है, तो काफ़ी प्यारा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी काम हुआ ना दिल लगा करके काम हुआ। और यहाँ पर एक प्रभु का मंदिर भी है। तो भोले बाबा जी की जय, श्री शंकर नारायण भगवान की जय। बोलो डमरू वाले बाबा की जय, डमरू वाले बाबा की जय। तो दोस्तों यहाँ पर डमरू वाले बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर है। तो और यहाँ से ना दोस्तों काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्या ही बताए, वाले से, भगवान से, ईश्वर से यही प्रे करते हैं कि जहाँ भी रहे हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे पूरे भारतवर्ष के लोग, वो सुख शांति और समृद्धि से रहें, भगवान उनकी हर एक इच्छा पूरी करें।
है बड़ा पत्थर। अच्छा मतलब ना नीचे से ऐसा है कि आप धीरे 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 करके ना टॉप में पहुंचोगे। पहले अगर आप नीचे आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यही टॉप वाला एरिया है। अगर आप थोड़ा और चल के आते हो तो आपको लगेगा ये वाला टॉप एरिया है। अगर आप थोड़ा और चल के आते हो तो आपको लगेगा ये टॉप का एरिया है। तो बट फाइनली दोस्तों टॉप वाला एरिया जो है ना वो इससे भी ऊपर है, तो वो वाला एरिया जो है ना इधर है। तो रोहित कैसा लग रहा है आपको मित्रवर? बिल्कुल एकदम मन शांत। मन शांत? यहाँ तो टैंकी भी बना रखी है। टैंक नहीं, अच्छा टैंक नहीं, वो वहाँ से ये ऐसा है ना, ये पेड़ जो है ना हाँ? ये पेड़ नीचे से है। अच्छा तो ये हाँ जो ऊपर ये फर्श डाल रखा है इसको इतनी कटिंग देके हाँ। ये पेड़ को ऊपर को ऐसे छोड़ रखा है। ओ तो ये फल है कोई खाने वाला सा है? हाँ, ये वो है। अच्छा जामुन। तो ये जामुन है? छोटे हो रहे हैं। हाँ ये जामुन थोड़ा छोटा वाला है। नीचे पत्थर पे है ना, ग्रोथ ज्यादा नहीं हो रही। तो दोस्तों फाइनली आज की मंजिल पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये थकुली उड़ार का सबसे टॉप वाला एरिया है और यहाँ से ना आप चारों ओर का व्यू देखोगे तो आपको बहुत ही प्यारा नज़र आएगा। अपने उत्तराखंड को आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो, उत्तराखंड की पहाड़ियों को एक्सप्लोर कर सकते हो। और दोस्तों आसपास ना बहुत छोटे 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 गाँव बसे हुए हैं इन पहाड़ियों पर। तो इधर छोटे छोटे गाँव है और नीचे जो है ना आप उस एरिया में देखिए तो उस एरिया में मासी बाजार है, ये मासी और रामगंगा नदी। तो इधर को अगर आप चलते हो ऐसे करके तो ऊपर हमारे टॉप में आ जाता है माँ नैथना देवी का मंदिर जो कि नौबाड़ा ग्राम सभा में स्थित है। और अगर आप गोल सराउंडिंग में थोड़ा घुमाओ रोहित इसको और इधर को आते हो ना तो इधर को मेरा गांव पाली पछाऊ, देन जस्ट नीचे तल्ला पाली रोहित का गांव। तो वैसे ग्राम सभा हमारी एक ही है बट पाली तल्ला पाली दो भागों में डिवाइड। यहाँ से काफ़ी ना प्यारा नज़र आ रहा है क्योंकि मुझे मेरा गांव दिख रहा है, मेरी जन्मभूमि दिख रही है और साथ ही साथ आसपास का एरिया ना उधर बाजन का टॉप दिख रहा है। और इधर सारा यार ऐसा लग रहा है कि मानो एक कटोरे में हम अभी हैं। ये चारों ओर से कटोरा है और इस कटोरे में हम बैठे हुए हैं तो बड़ा आनंद आ रहा है। उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि ओ मेरी मातृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मेरे हिमाला। तो दोस्तों बड़ा मजा आता है दोस्तों अगर आप पहाड़ों का राही बनते हो, पहाड़ों में भ्रमण करते हो, पहाड़ों में सफर करते हो तो बड़ा आनंद आता है दोस्तों। ऐसा मन कर रहा है कि भड़म से बैठ जाऊं। तो इनका जो टेस्ट है ना काफी प्यारा सा है और रोहित ने 32 किलो खा चुका है। रोहित हमारा 1 किलो तो खाई गलत हुआ। एक किलो खा गया ना। दांत पूरे नीले हो गए यार। ये देखिए दोस्तों तो ये है जामुन का फल, वो तो थोड़ा सा हम भी लेते हैं और इस पे इतनी सारी हो गई ना पूरा पेड़ लदा हुआ है। अच्छा जिस चीज के लिए फेमस है तो दोस्तों ये मेन वे है थकुली उड़ियार जो है ना। स्पेशली ये जिस चीज़ के लिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर ना एक गुफा है। उड़ियार मतलब हमारे क्षेत्रीय लैंग्वेज में उड़ियार बोलते हैं, वैसे उड़ियार का मतलब होता है गुफा। गुफा बोले तो आप एक केप तो कुछ ऐसे टाइप का पत्थर है। अच्छा ये वाला दोस्तों वे ना बहुत प्यारा डेकोरेट कर रहे हैं। ऐसा है ये छांव है यहाँ 24 घंटे ये ऐसा है 12 घंटे यहाँ छांव रहती है। हाँ हाँ तो छांव के लिए बहुत बढ़िया है और जाड़ों में गर्मी भी होती है। तो दोस्तों अगर आप 10 मीटर की डिस्टेंस भी तय करते हो तो आपको एक चोटी मिलेगी जहाँ पर आप खड़े हो सकते हो। और यहाँ पर भी देख लो क्योंकि धारदार टाइप में है ये। अच्छा कार्य का नाम ग्राम सभा ऊंचा वाहन थकुली उड़ियार में सौंदर्यीकरण वर्ष 2021-22 मद 15 वित्त स्वीकृत धनराशि 2 लाख विकासखंड चौखुटिया कार्यदायी सस्ता जिला पंचायत अल्मोड़ा। तो दोस्तों आप ये रास्ता देख सकते हो कितना प्यारा डेकोरेट कर रखा है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें यूथों का साथ होगा, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का साथ होगा, यहाँ के बुजुर्गों का साथ होगा, यहाँ की मातृशक्तियों का साथ होगा। तो तभी जाके ना ये कहीं ना कहीं इतना प्यारा बन पाया है क्योंकि इसके लिए टाइम चाहिए यार दोस्तों। अगर आप घर में अपने एक चौखट में अपने एक मतलब दहली पे भी अपॉइंट निकालते हो तो आपको कितना टाइम लग जाता है दोस्तों। तो ये तो पूरा वे डेकोरेट कर रखा है यार, मानने वाली बात है। तो यार आप सभी ग्राम सभा वाले लोगों का ना बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने इतना सुंदर सा स्थान बना रखा है ये। अच्छा ये वाला प्लेस है तो दोस्तों ये जो बड़ा सा पत्थर है ना विशाल का पत्थर है। अच्छा अच्छा ये वाला पत्थर जो नीचे है। अच्छा ये वाला तो इसके अंदर भी जाएंगे, थोड़ा सा पत्थर दिखा दो यार, बड़ा विशाल गाय है यार। तो यार ऐसे कहां से आए होंगे यार इतने बड़े चट्टान में, समझ नहीं लगेगा। रियल में ऑयल लगा हुआ है। तो दोस्तों ये वाला एरिया है ना इसको बोलते हैं थकुली उड़ार। तो ये ना दो पत्थरों के बीच का गैप है क्योंकि एक पत्थर नीचे है। स्टार्ट दोस्तों ये
एरो है और एरो के जस्ट आगे आप सर्कल देख सकोगे। अगर मैं इसमें बजाऊंगा ना ऐसे करके तो एक साउंड निकलेगी, जो साउंड हमारे दमुए में से निकलते हैं ना, ढोल दमुए जो हमारे वाद्य यंत्र होते हैं, तो देख ये देख साउंड नहीं आ रही एक। हाँ हाँ ये वही है ना, ये यहाँ के और यहाँ के गैप को देखो, यहाँ की नहीं ये पत्थर खोखला है यहाँ पर दमो है यार। हाँ बजा बाघ दे, अब बंद हो गई। हाँ यार नहीं यहाँ पर आ रही हो, अरे यहाँ पे आ रही थी को, अभी तक इनका आ रही थी, अभी यहाँ पर आती है। हाँ बजा थोड़ा थोड़ा हाथ छोड़ दे, बंद है क्यों उनकी सेम हो गई, एक बंदा हो जाएगा तभी होगा, ये पूरा खुला रहना चाहिए। एक नहीं हो रहा था, अब बिल्कुल नहीं आ रहा उस हिसाब से तो ये दोस्तों। फिलहाल टाइम भी ज्यादा हो गया, अब निकलते हैं घर की ओर। फूल सी मेहंदी लगाई ने गोरे हाथों। हेलो 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 हेलो, धूप बहुत तेज हो रही है, बहुत तेज हो रही है, चलते फिर घर को अब। तो दोस्तों फाइनली आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसे लगी वीडियो, और अगर अच्छी लगी ना तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और आपका अपना चैनल पहाड़ी पालेवाल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो लेकर के, तो तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय पावन पहाड़। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, बाय।